हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग मेरे मोटो रिव्यूज़ मिस कर रहे होंगे। तो वी आर बैक विद अनदर पावरफुल रिव्यू ऑफ ए सुपर बाइक। तो ये तो छोटी बाइक है, आई मीन छोटा भाई बोल सकते हैं। आई हैव समथिंग बिग फॉर यू, तो चलते हैं उधर। तो दिस इज़ द बिगेस्ट सुपर बाइक की अपने चैनल पे अपने रिव्यू करेंगे आज। तो दिस इज़ माय फ्रेंड्स बाइक, हार्ली डेविडसन स्पोर्ट्स स्टार 48। तो ये स्पेशल एडिशन है, तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे अभी। इस बाइक का स्पेशलिटी क्या है, वॉट एवर दिस बाइक इज कंसिस्टिंग ऑफ, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो आइए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो हार्ली है सबको पता है अमेरिकन बाइक सुपर बाइक मेकर है। तो फर्स्ट इसमें शुरू करते हैं, व्हाई दिस हार्ली डेविडसन इज नोन एज 48। तो इसमें व्हाई की जो रीज़न है, ये सिंपल, ये जो पीनट टैंक का शेप है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेम्ड एज 48, हार्ली डेविडसन 48, एंड दिस इज स्पेशल एडिशन। एंड इसकी पुरानी एक वेरियंट थी, दैट इज हार्ली डेविडसन 48 स्पेशल एडिशन में। एंड नॉर्मल 48 में डिफरेंस है, ये टॉल हैंडल बर्स, और कुछ डिफरेंस नहीं है। उसमें हैंडल बर्स बहुत शॉर्ट थे, इसमें बहुत ज़्यादा टॉल है, तो एक चॉपर टाइप का लुक प्रोवाइड कराता है। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन 48 एंड स्पेशल एडिशन 48। ये हार्ली की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है। एंड इस पर ये जो स्पेशल एडिशन में आप ये देख सकते हैं, ये जो क्रोम ग्राफिक्स है, यह 1970s का जो ये जो ग्राफिक का लुक है, ये कम्प्लीटली 1970s के हार्लीज में आता था, अभी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। ये एक मतलब ऐसे ही कि एक क्रूजर रेट्रो लुक देने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इस बाइक को आप कोई भी एंगल से देखें, 360 डिग्री का एंगल मैं पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी एंगल से देखें कम्प्लीटली एस्थेटिक लुक है। कम्प्लीटली आप देख सकते हैं इसकी टोटल सीट हाइट एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग कैसी दिखती है, डिज़ाइन कम्प्लीटली अपीलिंग है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स हार्ली हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ये जो अभी मैंने बताया, ये जो टॉल हैंडल बार्स हैं, तो ये चॉपर लुक प्रोवाइड कराता है। इस सेगमेंट की गाड़ी को हम लोग बोलते हैं बॉबर, बेसिकली दिस इज़ ए बॉबर बाइक। ये जो सुपर बाइक है, ये अभी हम इसको एंटिक पीस बोल सकते हैं। पहले ये स्पोर्ट्सटर फैमिली पे आता था, फिर उसके बाद स्ट्रीट में चेंज कर दिया गया, बट अभी स्ट्रीट भी डिसकंटिन्यूड है एंड स्पोर्ट्सटर भी डिसकंटिन्यूड है। तो इसकी जो वैल्यू है, वन से हार्ली ऑलवेज ए हार्ली, तो हार्ली की जो वैल्यू है वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। बट अभी ये बाइक कम्प्लीटली वी कैन कॉल इट एज एंटिक पीस, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो अभी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। तो ये बाइक 1200cc की बाइक है, ट्विन सिलेंडर है इसमें, एंड इट इज़ एयर कूल्ड। तो इसकी जो पावर है, इट इज़ कमिंग एट अराउंड 97 न्यूटन मीटर ऑफ पावर ये जनरेट करती है एट एन अराउंड 4250 RPM। ये बाइक कम्प्लीटली डुअल चैनल ABS सपोर्ट करती है, दोनों फ्रंट एंड बैक पे ABS लगे हुए हैं। ये हेडलैम्प जो आप देख रहे हैं वो हेलोजन की है, एंड इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक फोर्क्स हैं। अभी बात करते हैं टायर्स के बारे में। हार्ली डेविडसन के दोनों टायर्स मिशलिन टायर्स हैं, एंड टायर्स की साइज़ भी बता देता हूँ। दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं, फ्रंट की 130x90 B16 टायर है, 16 इंच का टायर है। पीछे वाला 150x80 16 इंच का टायर है। ये जैसे कि एक क्रूजर बाइक है, आप इसकी सीट हाइट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो है, 710mm सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 110mm है। इसमें आपकी हाइट की प्रॉब्लम, हार्ली में जो सारे बाइक्स होते हैं वो मोस्टली क्रूजर बाइक्स होते हैं, तो इसमें हाइट मैटर नहीं करता है। आप अगर 5'2" 5'3" के हाइट के भी हैं तो आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। बट इसकी वेट ज़्यादा है, ड्राई वेट आपकी 247 kgs की है, अगर आप कर्व वेट देखेंगे तो 252 kgs के हैं। एक और चीज़ मैंने हार्ली में नोटिस की है, आप कोई छोटे से छोटे या बड़ा पार्ट कहीं पे भी कुछ भी देखो, इसमें हर जगह हार्ली का लोगो है, ओरिजिनल लोगो है। तो आप यहाँ पे नट एंड बोल्ट पे देख सकते हो, या फिनिश पे देख सकते हो, या टायर पे देख सकते हो,
या ये जो छोटे छोटे नट एंड बोल्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये सारे पे आपको कंप्लीट हार्ली के लोगो लगते हैं। एंड ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उसकी भी प्राइस अराउंड आपको 1000 की 2000 के आसपास आ जाती है। तो अभी इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल में आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली क्रूजर बाइक है एंड रेट्रो लुक एनहेंस कराते हैं। तो आप इस पे जो कॉन्सोल दिख रहे हैं वो कॉन्सोल कम्प्लीटली आपकी एनालॉग है, बट इधर एक छोटा सा डिजिटल मीटर भी है जिसमें आपको ट्रिप मीटर, RPM, टाइम एंड जो ट्रिप बी एंड ये आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहे हैं, ये आपकी हजार्ड स्विच है। तो आपकी सर्विस माल फंक्शनिंग हो रही है तो इस पर आपको इंडिकेट कर देती है। तो आप इधर तो ये देख सकते हैं ये बाइक अभी रन हुई है 1 to 1.2 किलोमीटर्स एंड ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी है एंड ये आपकी टाइम दिख रही है। मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर्स का दिया है एंड एज फार आई नो ये बाइक अराउंड 180-190 के स्पीड पे आराम से क्रूज कर सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्विचेस के बारे में बताऊँ, बाइक प्रीमियम सुपर बाइक है तो स्विचेस भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो ये आपकी इंजन किल, इंजन स्टार्ट, इग्निशन स्विच की है, ये आपकी इंडिकेटर्स हैं राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट एंड आपको इधर ये टॉगल स्विच है जिसपे इधर आप अपना जो डिजिटल छोटा सा डिजिटल पैनल है उस पर आप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप मीटर हो गया, RPM हो गया एंड ये आपकी हॉर्न है, हॉर्न की स्विच है। तो इसमें एक और चीज़ आप अगर नोटिस किए होंगे, ये जो मिरर है ये इन्वर्टेड पोजिशन पर है, ये ओनली 48 स्पेशल पे मिलता है। 48 पे आपकी जो हैंडल बार है वो नीचे होती है तो उसको नॉर्मल ऑपरेट पोजीशन में रहता है, इसमें आपकी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और इसमें ये एनहांस करता है एक स्पोर्टी लुक एंड एक स्पोर्टी लुक के लिए ही ये इन्वर्टेड पोजीशन पे है। अगर आप चाहें तो इसको अपराइट भी कर सकते हैं, बट ये जो लुक है ये लुक बहुत अच्छा दिखता है फ्रॉम बैक साइड फ्रॉम फ्रंट साइड। एंड आप पूरी बाइक में देख सकते हैं बहुत जगह पे क्रोम पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो वट एवर आई एम नोइंग रिगार्डिंग दिस बाइक मैंने तो प्रॉपरली एक्सप्लेन की है, बट जो प्रॉपर ओनर है वो अपना ओनरशिप रिव्यू अगर बताते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। सो आई विल बी वेलकमिंग गणेश हु इज द प्राउड ओनर ऑफ दिस 48 स्पेशल। तो वो अभी आपको कम्प्लीटली थोड़ी डिटेलिंग बताएंगे क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें वो लगाए हैं या सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो उसकी एक प्रॉपर रिव्यू अभी वो अभी बताने वाले हैं। तो गणेश, हाय गणेश। हाय ब्रो। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि इस बाइक पे आपने कैसा क्या चेंजेस किया रखा है या कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करने के चाहते हो, क्योंकि इधर मैंने आपकी पिलियन सीट नहीं देख पा रहा हूँ, तो आपने उसकी थोड़ी डिटेलिंग मेरे को चाहिए, थोड़ा बताइए तो मेरे व्यूअर्स के लिए। हाय ऑल द व्यूअर्स। सो बेस्ट पार्ट इज दिस इज माय ड्रीम बाइक एंड द रीजन व्हाई आई प्रेफर दिस बाइक बिकॉज गाइस ऑफ माय एज यूजुअली प्रेफर स्पोर्ट्स बाइक। यू विल फाइंड ऑलवेज सीइंग ओल्डीज, यू नो, ओल्ड स्कूल पीपल प्रेफर दीज ओल्ड स्कूल बाइक। आई लाइक इंजन्स अबाउट अ बाइक एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इंजन इज कम्प्लीटली नेकेड। इट्स अ वी ट्विन एयर कूल्ड इंजन, इट्स अ बेल ड्रिवन इंजन। So when you ride this bike, it is completely like you're riding a beast and it's a complete head turner. So no matter, you know, in which street, which road you're going, the people around are looking at you. So the exposure you get on this bike, like no one else, no other bike, no other car can get you. So there's one reason. Second thing is the look, you can see the complete, you know, that is the complete bobber look. Wherever, which angle, you see. And it's completely gorgeous. And the thing you asked me about, I always wanted a bike. Okay, so that is complete bobber. That's how a bobber is. Right. And the another reason for this specific bike, because earlier Iron 883 used to be my favorite Harley bike, beginner's bike. But then because of this front wheel, you know, the thick wheel, the way it looks, the monster look it gives you. So that's one of the. This reasons. Is also used in very much Hollywood movies and all, right? Exactly. Ghost Rider bike, we can say. And the special thing about this particular bike in the entire, you know, Harley lineup is this tank. This tank is called Peanut Tank. Correct. And that the best is why part it is named about only 48. Peanut Tank is, you see, every other tank you see of any bike, there will be a curved shape. But this, you know, tank looks like, you know, it looks so bulky from the this way. But when you're riding this, when you sit here and you ride the bike, you get a complete lean look. The only thing you can, you know, which is popping out in the bike is the engine. So you see normally engines are covered up with, you know the fibers or something, but here the complete engine is naked. And the V twin, and one thing I would like to show, there is a signature, you know, sign of this bike. When you start the bike, you see a vibration. The engine is not completely attached to the bike. Do you see that? You find only in Sportster family this kind of a feature. And what to say, I like these colors,
And you are telling something about the extra charges and all. We can also make this bike into a 2000 cc yeah, bike. Yeah, you can convert its engine into 2000 cc by making some changes in it. And you can add a cc bar here for a more cruiser look to lean on. And the pillion seat, I don't think I'm ever going to have a rear seat ever in my life. This bike will be this. And I have plans. I have plans to completely turn it into a bobber. I'm going to make it cut from this place. These will be attached here, okay. And the mud guard will be removed, and also okay. This guard, so this bike will have a chopper look. This handlebar is also providing from the front side. It is a chopper look only. Exactly. But from the back side, it is a bobber. So you will be making chopper plus bobber. So I may get another tall boy handlebar, okay. which will look which will be of this height. So that is very comfortable to ride. And the second part is this: every single part you see, from brake to this part, this cup, and these things can also be modified. There are better versions of every single part available in the dealership. You can get it. And what about the? I just wanted to know regarding the service charges and all, and this maintenance charges. So and all. Because I know, because this is very expensive bike. Coming around 13 lakhs or something like best that. Part about this bike is you need to hit once in a year. If you didn't if it is not a part change, regular servicing, you need to just hit once a year, and it may charge you 10 to 11 thousand rupees only. Okay. So the, and that charges includes the fuel. And the best way to ride this bike is I'll tell you one more thing. First thing is the bike is unique, and as it is discontinued, it became an antique bike. So there are no other bikes of similar design. The best part is, see, when you sit on it, whenever you are riding, so how you sit in your home on a couch, you sit like this, right? Suppose you are using your phone, you have this position. Right. So sitting position is so upright position is so comfortable. When you sit on this, you feel like you are just sitting on a couch. When when I ride it on highways, I have this look. So I completely feel that I'm sitting on my couch. And I'm sitting, and the best part is there is no other particle except engine, exhaust, seat and the body. There is nothing else. There is no other part on the bike to carry. And 250 kgs of a monster, you ride it with 1200 cc. Right. The feeling, I can feel it. I feel sometimes I'm just riding a car engine and just sitting on the engine and I'm riding it. So that is so, what. Also one more thing I want to know here, because every bike, every vehicle, whatever we are riding in, has some do's and don'ts. Exactly. So, any don'ts, any negativities you can explain in the bike? Seat and all these, all sorts of things. Every bike has pros. Some do's and don'ts, right? Yeah, pros and cons are there. One thing that can be a pro, depending on the season, so the engine heating. So, when you are riding this bike in winters, and you want to feel the heat. So, how this happens is, whenever some truck or bus passes, winter season, when a bus or truck passes you, because of that engine heat, you feel a little warm. So in for winter season, this bike is lovely. You're going to love the bike for the heat it is producing. But in summer, it is bit uncomfortable. And but this bike should be ridden with proper gear. Proper gear, all the gear. So that is why you can also feel of this bike. And the ground clearance, you see, it is very less. 110. So it gives certain kisses to bumper traffic. It kisses almost every speed breaker. So how you go, there are too many speed breakers. You have to go in this way, either it crosses. If you go straight, then there is going to hit the engine also. Definitely, and bumper to bumper traffic is also causing so much of it. Also, so, I just wanted to know regarding the colors. This is what color, and three colors are there, right? So this is the black. Actually, I also love black color. If I also see my bike, that is also black matte. See, black. In every bike, the only color difference you get is from the tank. Okay. This is same. This is black, this is black. Everything is black and chrome. The only the tank color is different. Tank color is different. So you want to change the tank, you can get it. It costs somewhere around 1 lakh rupees, you can change the color. So there is a billiard white, this is vivid black, another red is there. So the best part I like about black is these colors pop up. These three colors, these three stripes really pop up so well that it may add a complete look to the bike. If a person is having fantasies for a train engine, for a locomotive, okay. This is exactly how it feels. Okay. You feel like you're riding a locomotive. Exactly. Complete 1200 power. So it is more powerful than many cars that you overtake. We are riding. So this is the best part. And fuel efficiency, these bikes are not
for fuel efficiency. Fuel efficiency. These bikes will not be fuel efficient. This is completely a head turner. Correct. And yeah, right now because it's just 1000 kilometers, I didn't even need 1600 kilometers, you know, for the first servicing. So somewhere around 8 to 10 kilometers I'm getting per liter. Fuel capacity is also 8 liters, right? 10.8. No, it's 9.1 liter tank. Okay. 1.7 is I think for FI. Okay. If you add 1000 rupees of fuel, you will go to 80 to 100 kilometers. Okay, that is also so, as of now, after the servicing, I heard from other owners. Yeah. On highway it is 20 to 23, on city rides it is almost 17 to 18. So that's a good amount. For a bike, a 1200 cc bike, you're getting a mileage of 17 to 18. It's very good. That's very good. Better than many cars. Correct. So that's the thing. So whoever says this bike is expensive, no doubt it is expensive bike. But if you have a bike of 2 to 3 lakh rupees and you go to the service thrice or four times a month and you spend 2000 each, so you are somewhere you're spending close to 7 to 8k, and you are going only once in this bike for in a year, you're spending 10k. So this is cheap. This is cheap than after sales services also. If you talk about changing some parts, definitely they're going to cost you more than any other brand's parts. If anybody is planning to get a Harley with this plan that they'll resell it, then please don't get it. The sports bikes are there for you. This bike completely is legacy. When you own this bike for years and you pass this on to your second or third generation, you know the importance of this bike, the brand value of this bike, and what to say, everything becomes 10x. Right. So the legendary Harley. Also, it is an antique piece. So also in future, also the price will be the same only. The best or part, the value will be increasing. And the another part is this is completely manufactured in Milwaukee, USA. Yeah. So it is written in the. You get that American feeling when you ride this bike. And I need to show you my helmet which I got from the dealership, which is a rare edition. There's a little story behind this helmet. This is called Ghost Rider helmet. But this is Red Flame helmet, that is how Harley calls it. So you can add a bubble glass to it. So these are limited edition pieces manufactured in by Harley Davidson and tied with Bell. Bell is world's number one helmet manufacturer. So this was the only helmet I found in the dealership. Yeah, this is also looking very good. Exactly. So to this color, this is also matching. So abhi weather bhi hot hai, bike bhi hot hai. Abhi ek bari exhaust note sun lete hai is bike ka. होप कि आपको ये जो कंप्लीट रिव्यू है ऑफ दिस 48 स्पेशल हार्ली डेविडसन आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू नीलेश रथ. ही इज डूइंग यू नो ग्रेट कंटेंट. मैं पूरा व्लॉग अभी मैं पास होके देखा द वे ही इज शूटिंग, द वे ही इज एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. सो देयर आर सो मेनी यू नो व्लॉग्स ऑफ सर्टेन बाइक्स जहां पे आपको स्पेसिफिकेशन बोल देंगे एंड देल यू नो अपलोड अ वीडियो फॉर राइड. बट ही इज गोइंग इन टू डिटेल. सो इफ यू एवर वॉन्ट टू बाई अ बाइक, इफ यू नो गो थ्रू हिज you know the way he's reviewing, so you'll get a detailed information about the bike, and also he's you know taking owner's reviews, so that will give you a real time experience. So you do subscribe and share the channel. Thank you for that.